आज का जो सेशन है ये अपना इस क्लास का चौथा सेशन है, द फोर्थ सेशन ऑफ दिस फ्री सेशन। और आज हम जो न्यूमरोलॉजी की जान है, जो न्यूमरोलॉजी का असली टॉपिक है, आज हम बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी की। सब लोग बीच में कोशिश करेंगे कि अपना माइक ऑफ रखें ताकि डिस्टर्ब ना। देखिए, जीवन की हर डायमेंशन में ना प्रकृति एक डायमेंशन अपने हाथ में रखती है और एक हमें देती है। जैसे हम अपनी जीवन की ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते, मतलब कि हमारी हाइट कितनी होगी ये पूर्व निश्चित होता है, ईश्वर के बस में होता है, पर शरीर की चौड़ाई कितनी होगी ये हमारी दिनचर्या और हमारे खान पीन इन सब चीजों पर निर्भर करती है। ऐसे ही जैसे हमारी भाग्य में जो लिखा है वो प्रकृति खुद डिसाइड करती है, लेकिन कर्म करने की हमें स्वतंत्रता है। तो एक डायमेंशन प्रकृति के हाथ में रहती है, एक डायमेंशन आप हम सबके हाथ में रहती है। जैसे जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलने जाता है, बैटिंग करने जाता है, तो एक दृष्टि से देखें तो वो पूरी तरह से प्रतंत्र है। अंपायर कौन है पहले से डिसाइड है, एक ओवर में कितनी गेंद फेंकी जाएंगी पहले से डिसाइड है, कितने ओवर का मैच होगा पहले से डिसाइड है, मैदान पे कहाँ होगा, कब होगा, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सब कुछ डिसाइड है। जो व्यक्ति इस संदर्भ में बात करेगा उसे लगेगा कि सब कुछ फिक्स है, लेकिन जब आप खिलाड़ी के संदर्भ में बात करते हैं तो वहां पे कुछ भी फिक्स नहीं है। आप एक गेंद पर चाहें जितने रन बनाएं, और अगर आपके सौभाग्य से बैट्समैन ने नो बॉल फेंकता रहा या वाइड फेंकता रहा तो आप कितने भी रन बना सकते हैं। तो जीवन में एक डायमेंशन हमेशा हमारे हाथ में होती है। ओकल्ट में, ओकल्ट की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो टेरो कार्ट है, चाहे वो हस्त रेखा देखना है, पामिस्ट्री आपकी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है आपकी, जो ज्योतिष विद्या है, इन सब में न्यूमरोलॉजी में एक खास बात है कि न्यूमरोलॉजी में एक विधा है, न्यूमरोलॉजी में एक डायमेंशन है जो हमेशा आपके हाथ में होती है और वो आपका नाम है। तो न्यूमरोलॉजी की दो मुख्य चीजें हैं, एक है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जन्म तिथि है उससे आपके नंबर डिसाइड हो जाते हैं, उस जन्म तिथि से आपका मूलांक भाग्यांक निर्धारित हो जाता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप मूलांक भाग्यांक की बात करें, आप हुआ नंबर की बात करें, आप सनसाइन की बात करें, आप रनिंग ईयर की बात करें, आप किसी चीज की बात करें, इनमें से कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। पर प्रकृति ने जो एक चीज हम सबको दी है वो है नाम, जो हमेशा हमारे हाथ में होता है। और मैं इस क्लास के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर हो, चाहे आपका मूलांक है, भाग्यांक है, नंबर्स है, जैसे मूलांक आपके जीवन में 100% काम करता है तो नाम आपके जीवन में 120% काम करता है। तो जो रहस्य है जीवन में सफलता का वो ये है कि अगर आपने अपना नाम सही अक्षर पे रख लिया, अगर आपका नाम किसी वजह से सही जगह पे आ गया, तो जीवन में आप कितने सफल होंगे ये आप सोच नहीं सकते। एक कहावत है, राम से बड़ा राम का नाम। या जब कोई संसार को, भौतिक शरीर को छोड़ जाता है, संसार को छोड़ जाता है, तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है। तो इसमें जो मुख्य शब्द है, राम नाम सत्य है, इन चारों में जो सबसे मुख्य शब्द है वो नाम है ना। तभी तुलसीदास जी ने कहा है राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो जो नाम है हमारा इस प्रकृति में, अगर आप बहुत सारे संतों को देखेंगे तो वो आपको बताएंगे कि नाम से ही सब कुछ पैदा हुआ है। जिसे इसी नाम को बाइबल वर्ड कहती है, इनिशियली देर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। इसी नाम को वैदिक जो सभ्यता है वो अनाहत नाद के नाम से जानती थी। इस्लाम में से हम कुन कहते हैं, और वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कुन फयाकुन। इसका महत्व ऐसे ही है जैसे आपने अपने घर में स्विच ऑन किया और लाइट प्रकाश में सब कुछ दिखने लग गया, तो वो कहती है कि ईश्वर ने भी ऐसे ही कुन से इस दुनिया को, नाम से इसका निर्माण किया।
तो न्यूमरोलॉजी में आप ये समझ लें कि अगर आपने किसी भी तरीके से किसी बच्चे का अपना या किसी का भी नाम ठीक कर लिया, तो आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर ये चमत्कार नजर आता है कि व्यक्ति सफलता की उन सीढ़ियों को चढ़ता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की। अब मैं दूसरा रहस्य बताता हूं कि नाम कई बार नुकसान भी कर देता है। इसलिए नाम, जो भी व्यक्ति आपके नाम में परिवर्तन कर रहा है या जो आपके नाम को सही कर रहा है, वो ऐसा व्यक्ति हो जिसका आशीर्वाद ईश्वर के यहाँ फलित होता हो। वो ऐसा व्यक्ति हो, हाँ सबको वायस आ रही है, बाकी सबको एक आध की जो दिक्कत है वो अपना दोबारा से एंटर कर ले। एक ऐसा व्यक्ति आपको नाम, आपके नाम को परिवर्तित करे जो आपके सबकॉन्शियस को, आपके अवचेतन को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आप जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। एक व्यक्ति 5100 रुपये लेकर, 11000 रुपये लेकर, 2100 रुपये लेकर आपका नाम करेक्ट करता है और आपको भूल जाता है, और आप खुद सारे लोगों से मिलेंगे कि उनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आया नहीं। विश्वास करें, ये कुछ ऐसा है नहीं कि आप किसी ने आपको बेचा और आपने खरीद लिया, कि मैंने 100 यज्ञ पहले से कर रखे हैं, आप इतनी फीस दो, एक यज्ञ का फल मैं आपको दे दूंगा और आप आराम से अपनी नौकरी करिए। जीवन इस प्रकार से नहीं चलता है। यही कारण है कि मैं किसी के नाम में परिवर्तन नहीं करता, और मैं केवल जो मेरे विद्यार्थी हैं, चाहे वो मेरे बेसिक सेशन के विद्यार्थी हों चाहे एडवांस सेशन के विद्यार्थी हों, इसमें कोई सब फर्क नहीं है, पर मैं नाम उन्हीं के करेक्ट करने में सहायता करता हूं जो मेरे विद्यार्थी होते हैं। उसका महत्व तो यही है कि आपके जीवन के उद्देश्य को, आप जीवन में जो करना चाहते हैं, जीवन में आप जो बनना चाहते हैं, उससे उसे आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उसके लिए पैशन, उसके लिए दीवानगी, उसके लिए एक ज्वलंत इच्छा, उसके लिए एक आगे बढ़ने का जो टारगेट है आपका, और वो किस प्रकार का टारगेट है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। न्यूमरोलॉजी इतनी कठिन विद्या नहीं है कि इसके लिए बहुत खाटी घोड़े दौड़ाने की जरूरत है, कोई भी साधारण दिमाग का व्यक्ति इसे समझ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो भी बातें मैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊं, इससे आप अपना नाम खुद करेक्ट करें। जब आप ग्रिड बनाएंगे, अपना नाम करेक्ट करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि मैंने जो किया है क्या ये उचित किया है, तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। क्योंकि एक गुरु ने कहा है कि देखिए, जो जीवन की जो गाड़ी है, इसमें जुड़ना तो आपको खुद पड़ेगा, ये खींचना भी खुद पड़ेगा। कहीं पे ढलान आएगा, आपको बिल्कुल शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। कहीं पे चढ़ाई आएगी, ताकत लगानी पड़ेगी। कहीं कीचड़ में गाड़ी फंसेगी तो आप फिसलने लगेंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। पर ये विश्वास रखना कि मैं हमेशा पीछे रहूंगा, और जब जरूरत होगी मैं उसे सहारा भी दूंगा, उसे हाथ भी लगाऊंगा, पर उसे मुड़ मुड़ के मत देखना कि अरे गुरुजी हैं या नहीं है, अरे कीचड़ आने वाला, गुरुजी तो नहीं गए, फोन पे तो नहीं लग गए। तो ये चिंता नहीं करनी है। गुरु को अपना रोल बहुत अच्छे से याद है, जब आपको जरूरत होगी गुरु प्रकट होगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि गुरु आपका होमवर्क करने वाले हैं, ये कार्य आपको अपने लिए स्वयं करना है। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। तो मैं आपको निश्चित रूप से सही या गलत किया है या नहीं ये जरूर बताऊंगा, मगर आप अपने डीड्स के लिए, अपने कर्मों के लिए, जो पिछले जन्म में मैं या आप करके आए हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं केवल सहायता करूंगा, मैं आपको कोई कंसल्टेंसी नहीं देने वाला उसके लिए, चाहे आप 11 लाख रुपए दें या 11000 रुपए दें। आप कोर्स कर रहे हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, मुझे आपसे इसके एवज में कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि मेरा छोटा सा कर्म आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। तो आप कभी भी मुझसे पूछेंगे अपने बारे में कि साहब ये मैंने अपना नाम करेक्ट किया है, या अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, इसके अलावा पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। पर जिन लोगों से आपका खून का रिश्ता है और जिनका जीवन आपके ऊपर डिपेंड है, जिन जिनके लिए आपका अवचेतन ये अनुभव करता है कि नहीं ये मेरा है, उसके लिए मैं, जब आप करेक्ट करके देंगे, तो कोई व्यक्ति मुझे इस तरीके से मैसेज ना करे कि गुरुजी आपकी कंसल्टेशन फी क्या है और ये मेरा चीज है, मुझे करेक्ट करके दे। क्योंकि बहुत सारे नेता भी फोन करते हैं,
बहुत सारे ऐसे लोग फोन करते हैं जिन्हें लगता है कि ये कोई जादू है। 11,000 रुपये देकर जीवन में मैंने जो कर्म किए हैं, अब एक आदमी आएगा न्यूमरोलॉजिस्ट, एक आदमी आएगा ज्योतिष, और एक चमत्कार करेगा, एक अंगूठी पहनाएगा, मेरे लिए कुछ मंत्र पढ़ेगा, या मुझे बोलेगा चौराहे पे नींबू रख के आओ, और मैं सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा और जीवन में मेरे बाहर आ जाएगा। ऐसा कोई चमत्कार ईश्वर के यहाँ कभी नहीं होने वाला है। हाँ, जब आप अपना अलाइनमेंट ठीक करते हैं, जब आपके कर्म ठीक होते हैं, जब आपकी ग्रह ठीक होते हैं, जब आपका नाम ठीक होता है, तो ये चीजें आपकी जीवन में लाभ को ऐसे बढ़ाते हैं कि अगर आपके जीवन में किसी दिन ये लिखा है कि आज आपको लाभ होना है, तो वो 1 रुपये का भी हो सकता है, 1 करोड़ का भी हो सकता है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होता कि क्वांटिटेटिवली कितना होगा। तो आपके डीड अगर अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आप किसी को धोखा नहीं देना चाहते, आप जीवन में अपना और सबका विकास चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके अंदर है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो निश्चित रूप से काम करेगा। अगर आप रिश्वत लेते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, दूसरों को पीछे करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे वाले न्यूमरोलॉजी को अप्लाई मत करना, ये आपको और पीछे ले जाए। तो जीवन में जब आप अपने कर्म ठीक करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए जादुई कार्य करेगा। कम से कम आज की क्लास में, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी की क्लास है, मैं एडवांस या बेसिक क्लास में कोई अंतर नहीं करूंगा, सारी चीजें आपको बता देता हूँ। देखिए, जीवन के कण कण में तीन पदार्थ काम करते हैं, सत, रज और तम। जो सत तत्व है वो सुबह के 2 बजे से लेकर और दिन के 10 बजे तक कार्य करता है, 8 घंटे। तो जीवन में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति सुबह के 2 बजे से लेकर और 10 बजे तक चोरी, डाका, मारकाट, मांस मदिरा का सेवन, क्लब में जाकर डांस करना, इस ड्यूरेशन में आपको लोग नहीं मिलेंगे। 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का जो समय है वो रज का समय है, जीवन में जीवन यापन करने का, कमाने का, महत्वाकांक्षाओं से काम करने का, कुछ ऐसी चीजों पर निर्माण करने का जो मनुष्य के प्रयत्न को कम करती हैं, जिसे हम मशीनें कहते हैं। तो रज का जो समय है, जो बिजनेस का समय है, वो कौन सा है आपका? एक मिनट में म्यूट कर दूं एक बार सबको। वो समय है सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक का जो समय है वो तम का समय है, वो आराम करने का समय है। तम तत्व को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर आप रात भर आराम नहीं करेंगे, ठीक से नींद नहीं लेंगे, तो आप सुबह ताजगी के साथ नहीं उठेंगे, ना आप सत कर पाएंगे, ना रज कर पाएंगे। तो हर तत्व का अपना महत्व है। एक घड़ी 24 मिनट की हमारे शास्त्रों में होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की होती है, और अगर आप इस सारे समय को 24 घंटे को, 24 घंटे में जो घड़ियां होती हैं, अगर आप इस सारे समय को, म्यूट कर रहा हूं मैं, फिर लोग अनम्यूट हो जाते हैं, बाकी सबको आ रही है ना आवाज, एक आध की शिकायत आ रही है। हाँ जी ओके ओके, सर, ठीक। तो एक जो घड़ी होती है आपकी, ब्रह्म मुहूर्त की घड़ी, जो सूर्योदय से 96 मिनट पहले स्टार्ट होती है, आप अखबार में, इंटरनेट पे देखें कि कल का सूर्योदय कितने बजे होगा, और उससे 96 मिनट पहले आप जग जाएं, उसे अमृत वेला कहा गया है। और शास्त्र ये कहते हैं कि सुबह 96 मिनट पहले, 96 मिनट पहले जो सूर्योदय से जगता है, उसके जीवन में गरीबी, दुख, बीमारी, संताप कभी नहीं रहता। जब दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने ये रहस्य उजागर किया कि वो सुबह 3 बजे से और सुबह के 6 बजे तक की सारी प्लानिंग करते हैं। तो सत का ये महत्व है हमारे जीवन में, और 9 बजे से लेकर जो 12 बजे तक का समय है उसको राक्षस वेला कहते हैं। कहते हैं इसमें जागना नहीं चाहिए, रात के 12 बजे से 3 बजे तक का गहरी नींद का समय होता है, और 3 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है वो सत का समय है, उसमें कभी सोना नहीं चाहिए।
ये बहुत बड़े राज की बात बता दी मैंने, न्यूमरोलॉजी का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। जो व्यक्ति इस समय में जगेगा उसके लिए मास्टर रेमेडी हो गई न्यूमरोलॉजी की, उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद खाएगा नहीं, तो प्रकृति में कोई खाता है या मनुष्य के अलावा सूर्यास्त के बाद, उस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं पकड़ती। तो तीन जो गुण है प्रकृति के, सत, रज और तम, यदि आप अपने बच्चों में सत तत्व का उदय करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर सत के गुण आए, तो नाम को हमेशा एक या तीन पर लाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने करियर में सेटल हो जाएं, जहां वो नौकरी कर रहे हो वहां उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिलें, लोग उनकी प्रशंसा करें, वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर जाएं, तो इस ऐसे बच्चों के जीवन में, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उनके नाम को आप 5 या 6 पर लेकर आए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होने से कैसे बच्चे का पता चलता है कि बच्चा आपका जो है वो सत्यनिष्ठ भी है, ईमानदार भी है, ऑनेस्ट भी है, झूठ भी नहीं बोलता है और कार्य भी बहुत करता है, लेकिन नई नई प्लानिंग बनाता रहता है। एक काम करेगा फिर उसको छोड़, फिर बोलेगा नहीं 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 ये नहीं, ये वाला काम करना है, इसमें बहुत फायदा। तो अगर आपका बच्चा इस प्रकार से अनस्टेबिलिटी का शिकार है, तो ऐसे बच्चों के नाम को हमेशा 9 नंबर पर लेकर आए। तम के जो 3 एलिमेंट होते हैं, 7, 8 और 9, उनमें से एक ही अंक है जो नाम रखने योग्य है और वो 9। रज के जो तत्व है 4, 5, 6, जो नंबर है रज के 4, 5, 6, उनमें से 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे आप नाम को रख सकते हैं और वो 5 और 6 है। सत की श्रेणी में जो 1, 2, 3 नंबर आपके सत तत्व को बताते हैं, उनमें 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें आप नाम रख सकते हैं, वो 1 और 3। आप चाहते हैं आपका बच्चा किसी कंपनी का सीईओ बने, लीडर बने, कोई ईमानदार नेता बने, एक नंबर पे नाम लेकर आए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सॉफ्टवेयर में बहुत आगे जाए या पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह को निकाल ले, या टीचर बने, हीलर बने, डॉक्टर बने, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उनके नाम को 3 नंबर पर लेकर आए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब पैसे कमाए, उस पर खूब सारी गाड़ियां हो, लग्जरी हो, अपनी फैक्ट्री हो, ये जहां नौकरी कर रहा हो काफी उच्च पद पे कार्य करे, प्राइवेट करे या सरकारी करे, बहुत विकास करे, तो से 5 और 6 नंबर पर लेकर आए। और जब आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो कोई जमींदार बने, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा जाए, कोई बड़ा मिलिट्री ऑफिसर बने, कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर बने, पहलवान बने, अच्छा खिलाड़ी बने, ये जीवन में उसकी स्टेबिलिटी आए, तो ऐसे व्यक्ति का नाम 9 नंबर पर लेकर आए। यदि किसी को शारीरिक बीमारियां रहती हो और शरीर स्वस्थ ना रहता हो, ऐसे व्यक्ति का नाम भी हम 9 नंबर पर लेकर, क्योंकि 9 नंबर हमारी फिजिकल पावर, हमारे स्टेमिना को दर्शाता है। इस प्रकार से नाम की जहां तक बात है, तो जब भी किसी का नाम रखना हो, तो पहले उसकी मंशा क्या है ना, इंटेंशन क्या है उसका, जीवन में पाना क्या चाहता है, जीवन में जरूरत किस चीज की है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देखी और सबका नाम 5 पे उठा के कर, जीवन में उससे पूछें, बच्चे से बात करें 10 मिनट, स्वयं से पूछें, आपके पास कोई आए उससे पूछें, भाई क्या चाहते हो जीवन में, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसका नाम आप रख सकते। ठीक है, तो अब स्लाइड में शेयर कर देता हूं, कुछ चीजें तो बतानी चाहिए। सर ये रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिलेगा साहब, दो दो बार मिलेगा, सब मिलेगा, सर थैंक बिल्कुल चिंता यू ना सर। करें।
हेलो सर, सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपका लेक्चर माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उसमें कुछ अल्फाज जो है ना हिंदी के, वो मुझे समझ नहीं आ रहे कि आप क्या बोल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हसन उसमें, जी, आप तो कहाँ के रहने अगर वाले हैं? सर मैं पाकिस्तान से हूँ, बेसिकली हूँ भी पंजाब से, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मुझे ऊपर से गुजर गए, हाँ, क्या वो कोई नहीं, दोबारा। मेरे ना मेरे तीन डिफरेंट बैचेज में तीन पाकिस्तान से स्टूडेंट हैं। मैं आप लोगों के लिए ना जूम सेशन करूंगा, जी बहुत शुक्रिया सर। तो हाँ सर मुझे अभी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी आप बोले उसमें जो खालिस हिंदी के अल्फाज है उसको अगर आप उर्दू में या इंग्लिश में बता दें तो वो आसानी। वो मैं कर दूंगा। और आप लोगों के लिए मुझे सेशन बहुत करना है थोड़ा सा, एक बातचीत करेंगे तो जी जी अलग से करेंगे किसी दिन सेशन आप तीन लोगों। अवेलेबल ठीक सर। थैंक यू ठीक सर, थैंक यू सर। देखिए, प्रकृति में सारी जो कीमती चीजें हैं फ्री हैं, पानी फ्री है, हवा फ्री है और धूप भी फ्री है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी है व्यक्ति की वो फ्री होनी चाहिए। हम ईश्वर ने जब बनाया था, कंद मूल फल भी हमें फ्री में दिए थे। तो ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी अपने लिए, जो आप करना चाहते हैं सर्वाइव के लिए तो सब कुछ फ्री है। जब आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो एक एनर्जी एक्सचेंज हमेशा होना चाहिए, नहीं तो उसके अलावा चीज़ें काम नहीं करती हैं। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, आप बहुत कम पैसा लेते हैं सारी उन चीज़ों का, इससे लोग आपकी चीज़ों की कदर नहीं करेंगे। पर मुझे ऐसी समस्या आती नहीं है। आप लोग मेरा सेशन करते हैं, मुझसे इतना स्नेह रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं करते लोग। हम लोग 90 लोग अभी ग्रुप पे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि अपना कीमती समय निकाल कर आप लोग ये सेशन कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेम न्यूमरोलॉजी की। कुछ चीज़ें जो मैं बता दूं आपको, इसके बारे में तो हम बात ही कर चुके हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट है। ये आप जो अपना टेबल उत्तर दे आप देख दीजिए। रहे हो, देखिए नेम को चेंज करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे कीरो की एक टेक्निक थी, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, मैथमेटिशियन जो थे वो थे आपके पाइथागोरस। इन्होंने एक पद्धति दी है नेम को करेक्ट करने की। पढ़ने नहीं दे रही, म्यूट मैं कर एक बार दीजिए सर म्यूट कर उसको। रहा हूं सबको, और अब थोड़ा 20 मिनट तक म्यूट रखूंगा। कोई दिक्कत आने से आप लोग मुझे मैसेज कर देना या हाथ उठा देना, है ना। अभी मैंने म्यूट कर दिया सब। तो तीन चार विधाएं हैं जो नेम न्यूमरोलॉजी पे काम करती हैं। कीरो की एक विधा है, जैसे पाइथागोरस बड़े फेमस हैं, काफ़ी लोग उन्हें जो है फॉलो भी करते हैं और उनका उनका तरीका अपनाते हैं। एक हिब्रू कबाला करके है, आजकल एक नया चला है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि जो साउंड के, जो जब आप किसी नाम को प्रोनाउंस करते हो, उसका उच्चारण करते हो, साउंड की जो टोन उसमें आती है, उसके आधार पे आपका नाम किस प्रकार से महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस क्या है आपके नाम का, ये बताता है आपका क्रोनोलॉजी से। इन सबके बीच में जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय पर मैं बात करता हूँ, वो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है। कैल्डियन एक सभ्यता थी, एक कल्चर थी, जिसने बहुत काम किया न्यूमरोलॉजी के ऊपर 2000 सालों तक। और मैंने इसे सबसे ज़्यादा सटीक पाया है, और मेरे गुरुजी ने भी इसे कहा था कि एक बार पहले देख लो कौन सी विधा सबसे ज़्यादा काम करती है, और जो तुम्हारे लिए काम करे उसी पे रहे। अगर आप 10 को स्टडी करने लगेंगे तो आप खुद भी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए एक विधा पर रहें। मैं जिसे चैलिडियन या कैल्डियन कहते हैं, ये वाली न्यूमरोलॉजी पे काम करता हूँ, और यही मैं आप लोगों को भी बताऊं। तो इसमें 1 से लेके 8 नंबर को, जो आपके नंबर्स हैं, हमने इंग्लिश अल्फाबेट के साथ जोड़ा है, क्योंकि जो उर्दू या हिंदी या पंजाबी के जो अल्फाबेट्स हैं उनकी शेप कुछ ऐसी है कि उनसे कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी वेव्स आते हैं, है ना। इसमें मात्राएं या आधा अक्षर होना, इस तरह की चीजें नहीं है। तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधी सीधी आप करती हैं, पर जब आप नाम लिखते हो तो वो बड़ी सिंपल सी चीज निकल के आती है, और उस पर रिसर्च बहुत हुई और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, तो हम इंग्लिश के ही अल्फाबेट्स को लेकर चलते हैं। एक विधा है जिसमें हिंदी के भी लेते हैं, कभी अगर आप लोग आगे कहेंगे तो उसके बारे में बात कर लेंगे, पर फिलहाल आप देवनागरी को छोड़ के इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें। तो जो 1 नंबर है, 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ से निकल के आती है? ए से आती है, आई से आती है, जे से आती है, क्यू से आती है, वाई से आती है। 2 नंबर की बी, के और आर से आती है, मतलब अगर किसी के नाम पे कहीं पी आ रहा है तो
उस बी के नीचे हम उस दो नंबर लिखेंगे, अगर कहीं ए आ रहा है तो उसके नीचे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू एक लिखेंगे, अगर कहीं पे तीन आ रहा है तो, अगर कहीं पे सी जी एल और एस इसमें से कुछ आता है तो वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू उसकी तीन होगी, डी है किसी के नाम में कहीं पे एम है या टी है तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू चार होगी, पांच अगर कहीं पे है तो ई एच एन और एक्स ये अब कहीं पे अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू पांच होगी, यू वी और डब्ल्यू में से कुछ आता है तो उसकी वैल्यू छह होगी, ओ या जी आता है किसी के नाम में तो उसकी वैल्यू सात होगी, एफ और पी के लिए जो वैल्यू होगी वो आठ होगी। ये जो टेबल है हमें याद रखना है, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें साइड में, क्योंकि अभी जब हम नाम किसी का करेक्ट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किस नाम की किस अल्फाबेट के लिए कौन सी वैल्यू लिखी। तो जो वन है दैट विल कम फ्रॉम ए आई जे क्यू वाई, देन फॉर टू इट इज डी के आर, देन फॉर सी इट इज सी जे आर एल एस, फोर इज डी एम टी, फाइव इज ई एच एम एक्स, सिक्स इज यू वी डब्ल्यू एंड सेवन इज पहुंचे एंड देन एट इज नाइन को हमने वैल्यू नहीं दी है, और ए बी सी डी ई तक तो ये चला है यूनिफॉर्म, जैसे पाइथागोरस में तो सीधे हम लिखते ही जाते हैं एक से लेकर नौ तक, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे ऐसे लिखते जाते हैं, पर इसमें ये फाइव के बाद पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो फिर से एक बार इसको देख लें चाहे नोट कर लें, वन इज फॉर ए आई जे क्यू वाई, टू इज फॉर बी के आर, सी इज फॉर सी जे एल एस, फोर इट इज डी एम टी, फाइव इज ई एच एन एक्स, फोर सिक्स इट इज यू वी डब्ल्यू एंड सेवन इज फोर जी एंड फोर एट इट इज एफ एन पी। तो इस टेबल के आधार पे हम किसी के भी नाम को न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के चेंज करेंगे। ये स्लाइड ये बताती है कि अगर आपका नाम जो है वो एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ पे आ रही है, अच्छी डेट ऑफ बर्थ इसको बोलते हैं जिसे जीवन में चीजें आसानी से मिल जाती हैं, और उसका नाम भी अच्छा हो गया, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कम से कम हर्डल के साथ और कम से कम फेलियर्स के साथ जीवन में बड़े काम कर जाते हैं, जो कि हमारा मकसद है लोगों को आगे बढ़ाना। अब किसी का नाम अगर चैलेंजिंग है और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि इनका जो खराब नाम है उनके अच्छे डीड्स को, अच्छी प्रोग्रेस को, अच्छी किस्मत को कॉम्प्लीमेंट कर देता है ना, खराब कर देता है, नलीफाई कर देता है, और ऐसे लोग मीडियोकर लाइफ जी रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बेसिकली क्या है, न्यूमरोलॉजी की जरूरत है। फिर तीसरी तरह के लोग कौन से होते हैं, जिनकी चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ होती है और चैलेंजिंग नेम भी होता है, नेम भी डिफिकल्ट हो गया और डेट ऑफ बर्थ भी चैलेंजिंग हो गई, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत सारे फेलियर्स का मुंह देखते हैं, स्ट्रगल बहुत रहता है इनकी लाइफ में, बहुत डिले रहता है इनकी लाइफ में, और कुछ भी पाने के लिए ना बड़ा मेहनत करनी पड़ती है और बार बार फेलियर का मुंह देखना पड़ता है। ये कब होता है, जब आपका नाम भी चैलेंजिंग हो गया और डेट ऑफ बर्थ भी चैलेंजिंग हो गई, और अगर किसी का चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ है लेकिन नाम अच्छा हो गया, तो उसको जीवन में शुरू में तो बहुत सारे हर्डल आते हैं मगर वो लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो जाता है, खासतौर से 42 की एज के बाद, और ये अच्छा नाम रखने में से प्रोग्रेस 34 की एज के बाद निश्चित रूप से शुरू हो जाती है। तो न्यूमरोलॉजी पढ़ने का जो मेन मकसद है वो क्या है, एक अच्छा नंबर नेम, नेम एक अच्छे नाम पे आना, यही सबसे अच्छा हमारा मकसद है कि हम लोगों का जो नाम है वो एक अच्छी जगह पे लेके आए। अब जब आपका जो नाम होता है, जब उसका आप कैलकुलेट करते हो कैनेडियन टेबल के हिसाब से, तो आपके नाम का जो फाइनल सम आता है वो होता है वन से लेकर नाइन तक जो आता है उसको बोलते हैं सिंगल नंबर, और सिंगल नंबर आने से जस्ट पहले जब वो डबल नंबर पे होता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नंबर। जैसे मान लीजिए 19 है, तो 19 का सम कहाँ आएगा, अल्टीमेटली 19 का सम आएगा वन पे, तो वन इज सिंगल डिजिट नंबर एंड 19 इज डबल डिजिट नंबर। मान लीजिए किसी का 32 है, 32 मीन्स 32 इज कंपाउंड नंबर एंड 3 + 2 इज इक्वल टू 5 इज द सिंगल डिजिट नंबर। तो ऐसे ही किसी के नाम में भी एक होता है सिंगल डिजिट नंबर,
और एक होता है आपका कंपाउंड। एक इसमें होता है डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने का, एक होता है आपका रूटीन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि जो भी आपके नाम का टोटल आया उसको उठा के जोड़ देते हैं फाइनली। रूट मेथड में क्या करते हैं वो आगे एग्जांपल में बताऊंगा। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू नेम अल्फाबेट्स एंड देन प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड कमिंग टू कंपाउंड की नंबर, सिंगल की नंबर इज कॉल्ड द रूटिंग। तो हर एक अल्फाबेट के नीचे उसकी वैल्यू लिख लेना न्यूमेरिक और उसको उठा के जोड़ देना कहलाता है रूटिंग मेथड। प्रोसीजर क्या है, असाइन द अल्फाबेटिकल वैल्यू टू द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम। स्टेप टू क्या है, एड ऑल द नंबर्स ऑफ द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम। तीनों नेम की जो वैल्यू आ रही है अल्फाबेटिकल उसको अलग करके जोड़ दीजिए। थर्ड स्टेप क्या है, रिड्यूस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम इफ इट इज देयर। तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली रिड्यूस कर दीजिए सिंगल डिजिट में। Then reduce the number till you get the compound number after addition. If you don't get the compound number after addition, then go back to one step up and add the number to see if you get the compound. तो इसको जोड़िए और जोड़ने के बाद मान लीजिए आ गया 3 + 2 + 5 या 3 + 2 + 4 और ये 9 ही रह गया। तो हम इससे एक एक पीछे जाते हैं जब यहाँ पे ये स्टेप जहाँ पे ये कंपाउंड नंबर आना चाहिए। तो आप जब नाम करेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे एक कंपाउंड नंबर भी आना चाहिए और वहां पे एक सिंगल डिजिट नंबर भी आना चाहिए। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। इसको भी छोड़ के कुछ नंबर हैं नेम नंबर जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, जैसे 10, 15, 19, 23, 24, 27, 32, 33, 37, 41, 42, 45, 46, 505 है ना, इनको हम अच्छा नंबर मानते हैं। और जैसे कुछ नंबर हैं ये हम बहुत अच्छे नहीं मानते लेकिन विद वार्निंग इनको हम मतलब ये चल जाता है। जैसे किसी का जो सम है वो नाम का वो 12 पे आ गया, 13 पे आ गया, 14 पे आ गया, 21 पे आ गया, 25 पे आ गया, 30 पे आ गया, 31 पे आ गया, 34 पे आ गया, 39 पे आ गया, 40 पे आ गया, 48 पे, 49 पे। ये जो नंबर्स हैं आपके कैसे माने जाते हैं, ये ठीक ठाक माने जाते हैं। और कौन से नंबर चैलेंजिंग होते हैं, कौन से नंबर पे आपका नाम नहीं आना चाहिए, वो होते हैं आपके 11, 16, 18, 22, 26, 28, 29, 35, 38, 43, 44, 47 एंड 52। ये जो नंबर है लास्ट वाले, हमें ये कोशिश करनी है कि किसी व्यक्ति का नाम इन नाम नंबर से ना आए। आपने देखा मास्टर नंबर होता है 11, मास्टर नंबर होता है 22 और मास्टर नंबर होता है 33। तो इसमें हमने 33 को गुड नंबर माना है और 11 और 22 को हमने चैलेंजिंग नंबर माना है। तो ये वाली भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस स्लाइड को जरूर देख लें एक बार और जरूर रेफर करें इस स्लाइड को जब भी आप किसी का नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं। अभी तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम इसको आगे बढ़। चलो अभी तो मैंने म्यूट कर रखा है सबको, पहले इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं उसके बाद ही बात करें। है अंगूर जी, हाँ ऐसा करते हैं इस एग्जाम्पल के बाद लेते हैं। सपोज करिए किसी का नाम है राजेश्वर कुमार है ना, तो अब इसकी अल्फाबेटिकल वैल्यू जो है वो आपको सबको बतानी है। सब सब अपनी जो है अल्फाबेटिकल वैल्यू इसकी निकालें, पहले आर फिर ए फिर जे फिर ई फिर एस फिर एच फिर डब्ल्यू फिर ए फिर आर फिर के फिर यू फिर एम फिर ए फिर आर, सब इनके नीचे वैल्यू लिखें और लिख के जोड़ें और देखते हैं कि क्या वैल्यू इसकी निकल कर आती है।
सब लोग करें अब। हाँ जी बताएं, अगर किसी को अनम्यूट करके कुछ कहना है तो कहें। हाँ हेलो सर, हेलो। नाम परमजीत है, कैसे हेलो मतलब पता सर, करेंगे क्वेश्चन का इतना फाइव। नहीं नेम नहीं करेंगे? आप अपना अपना नहीं पूछना है, पहले सीखें अपना खुद बनाना है, मुझसे मत पूछिए। मैं नाम लूंगा रेंडमली कोई भी, आप लोगों में से नहीं लूंगा, आप लोगों का खुद करके मेरे को बताना है बाद में। हेलो, राजेश कुमार का बताएंगे, 41 का 5 सर। आर को दिया 2, ए को दिया 1, जे को दिया 1, ई को दिया 5, एस को 3, एच को 5, डब्ल्यू को 6, ए को 2, आर को 2, के को 2, यू को 6, एम को 4, यू को 2, आर को 2, है ना? ऐसा करके सर ए को 1 है ना? ए को 1 है। हाँ हाँ तो उस टेबल के हेलो, हिसाब से हमने पूरे नाम को एक वैल्यू असाइन करी और ये आया 26, ये आया 15। जब इसको फर्दर ऐड करेंगे, 2 + 1 + 1 + 5 + 3 + 5 + 6 + 1 + 2, 26 आ गया, 2 + 6 + 4 + 1 + 2, 15 आ। इस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर को ऐड किया और लास्ट नंबर को ऐड किया, अलग अलग दोनों को ऐड किया, एक 26 आ गया, एक 15 आ गया। इनको फिर सिंगल डिजिट में रिड्यूस किया, 2 + 6 = 8 हो गया, 1 + 5 = 6 हो गया, और दोनों को जब ऐड किया तो 8 + 6 = 14 हो गया, और 4 + 1 को ऐड किया तो 5। इस प्रकार से जो राजेश्वर कुमार नाम है उसकी जो सिंगल डिजिट वैल्यू आई वो 5 आई, और इसका कंपाउंड नंबर जो आया वो 14 आया। इसको बोलते हैं रूटिंग मेथड। और अगर मैं 26 + 15 को सीधे जोड़ दूं, अगर मैं इनको दोनों को सीधे जोड़ दूं 26 + 15 को, तो कंपाउंड नंबर आएगा 41। सर एक क्वेश्चन है इसमें हाँ सर, ये दोनों में से हमें कौन सा मेथड यूज करना है? कंपाउंडिंग वाला करना है, मतलब ये रूटिंग मेथड करना है या दूसरे वाला करना है? हाँ और रूटिंग मेथड को मैंने ज्यादा इफेक्टिव होते हुए देखा। सर, वैल्यू हमें किसको और देनी है? लाइक कि जैसे जो कंपाउंड नंबर आया उसको वैल्यू देनी है, या फिर इम्पोर्टेंस मतलब कंपाउंड नंबर की है, या कंपाउंड नंबर से जो सिंगल नंबर बनता है सर उसकी इम्पोर्टेंस है? देखिए दोनों की ही इंपॉर्टेंस है। सिंगल डिजिट आपका, मैंने आपको बताया कि सिंगल डिजिट तो आपका मिसिंग नंबर आएगा, या जैसे मैंने बताया आपको 17 स्तंभ से किस डायरेक्शन में बच्चे को आपके ले जाना है, ओके, या आपका सी एन डी एन क्या है, वहां से आपका सिंगल डिजिट तय होगा। उस सिंगल डिजिट में मैंने जो टेबल दी थी, जब आपने सिंगल डिजिट देखा उस टेबल में से सेलेक्ट कर लो आप कि भाई अगर मुझे लाना है मान लीजिए 9 पे, तो 9 के कौन से कॉम्बिनेशन है जो मेरे अच्छे हैं, ओके। तो फिर वो कंपाउंड नंबर आप ले आओ। अच्छा, कंपाउंड की मदद से ही सिंगल पे पहुंचेंगे अपन, तो अपन कंपाउंड को ही सेट करेंगे, है ना? अगर जिसको भी करना होगा जैसे भी। देखिए सच बात क्या है, अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो सन साइन देखते हैं। जी, हाँ वेस्टर्न जी एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट है सन साइन, जी, और वैदिक जो इंडियन जो है हमारी उसमें इंपॉर्टेंट है मून साइन। हम कुंडली का लग्न भी किससे डिसाइड करते हैं? मून से। ओके। तो मून, ओके ओके सर, जो मतलब ये जो अखबारों के अंदर हमारे राशिफल आते हैं ये वेस्टर्न वाले से ही आते हैं ना ये सब फिर? वेस्टर्न से सन साइन से आते हैं। ओके 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 अब जो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप चाहे वेस्टर्न के हिसाब से पढ़िए या आप मून के वैदिक के हिसाब से पढ़िए, आपको दोनों ही ठीक लगेंगे। ऐसा कैसे हो जाए? नहीं, मैं तो सर अब अपने इंडियन ही पढ़ेंगे सर, बढ़िया है। हाँ नहीं, अब मैं आप दोनों का अंतर बताता हूँ हाँ जी, हाँ जो जी, आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बताए। दोनों का अंतर ये है कि जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, जब आप चार आदमी में बैठे होते हैं, जब आप माइक पे खड़े होते हैं, जी
उस टाइम पे आप जो होते हैं वो आपका सनशाइन। जब आप ऐसी जगह पे हैं जहां आपको पता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, और उस टाइम पे आप जो करते हैं वो आपका मून साइन। सर, अब इसमें हमने कंपाउंड नंबर जो है हमारा 41 आया है इसमें, तो ये हमें डायरेक्ट मेथड में लेके चलना है या रूटिंग नंबर में लेके चलना है? सर, किसी में भी लेके चल लीजिए जिसमें आपको अच्छा मिल जाए। नहीं आप मतलब रूटिंग ये इसमें ज्यादा बेस्ट रहेगा कि रूटिंग में, जैसे वाला इसमें 41 मेथड, आया है? हाँ रूटिंग वाला मेथड ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें जो है आप इसको रूटिंग वाले से लेके चलें। डायरेक्ट सर में एक इसलिए चीज, बताया कि पहले सब डायरेक्ट ही यूज करते थे, आजकल रूटिंग मेथड यूज होता है। सर तो मेरा एक इसमें जो क्वेश्चन है, दोनों, नहीं इसमें सर जो अभी दोनों दोनों है, इसमें दोनों के जो नंबर है सरनेम और जो फर्स्ट नेम के, उसमें दोनों दोनों जो कंपाउंड नंबर आ रहे हैं वो दोनों हमारे मतलब जो गुड नंबर है उसमें होना चाहिए, राइट? वो टेबल देखना पड़ेगा, है ना? जैसे वेस्टर्न में हम 14 को बहुत अच्छा नहीं समझते। सर मेरा एक चीज पूछना था सर। हाँ, बताएं कौन। सर जो गुड नंबर्स आप जो लिस्ट बनाए थे हाँ, उसमें मेरा 36 मुझे नहीं मिला, उस जगह में 36 चाहिए था मुझे। वो 36 इसका मतलब वो मिडिल में आता है, वो सारे नंबर वहां पे नहीं है। अगर उसको मिडिल में नहीं अच्छा दिखाया गया है तो वो ओके नंबर्स। मतलब मेरा टोटल 36 आया लेकिन वहां पर नहीं मिला लिस्ट, हाँ, वही वो मैं जो पूछ नहीं रहा मिल था। रहा है तो वो ओके है, मतलब चलने वाला। जो चैलेंजिंग है उनका लिस्ट नीचे दे दिया है, जो बहुत अच्छे हैं उनका। अच्छा, सर ओके मैं सर एक क्वेश्चन है चलेगा। सर, हाँ सर ये मैं थैंक पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे 1, 5 से 6 आता है, किया यू। है डायरेक्ट मेथड से और रूटिंग मेथड से हम 42 का 6 लेते हैं, तो विच वन इज बेस्ट? आप हमेशा उससे देखे हैं जो ये आपका रूटिंग तो रूटिंग वाला आता है? सर रूटिंग से जैसे 42 से 6 आया है रूटिंग से कंपाउंड, रूटिंग में 46 कहाँ आता है? पहले से सर ही फोर्टी टू मुझे फोर्टी टू का सिक्स आया, 42 कंपाउंड नंबर, उसका ऐड किया तो 6 आया। वो डायरेक्ट से आएगा, रूटिंग से नहीं आएगा। सर रूटीन एक मॉर्निंग पे क्यों बोल क्वेश्चन रही हो? 35 के ऊपर जाते ही नहीं है, पहले सिंगल डिजिट में कर लेते हो ना कन्वर्ट। है। ओके ओके सर ओके तो सर मैं मनीषा जी, बोल रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा बोल लूँ, अब सर सर पहले बोलिए। मेरी बात हाँ सुनो। हाँ, बताओ बताओ बोलिए बताओ बताओ प्रतिभा। सर। एक्चुअली मैं बाहर हूँ कनाडा में, तो मेरा टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अभी रिसेंटली कल ही आई हूँ, हाँ, आपने दिन में बताया था। बताएं बताएं प्रतिभा। तो फिर मुझे उसकी रिकॉर्डिंग दे दो, क्योंकि मेरा हाँ सारा हाँ मिस हो हंड्रेड गया परसेंट सर। आप आराम से खाना वाना खाएं और सोए, रिकॉर्डिंग मिलेगी आप। नहीं अभी तो मैं सर ज्वाइन करूंगी क्लास, आगे का सुनूंगी, जो रह गया वो रिकॉर्डिंग से देख लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, इसमें रिकॉर्डिंग सर से। इसमें पिताजी का नाम ऐड नहीं कर दिया क्या बीच में? वही तो मिडिल सर नाम का जो एग्जाम्पल है वही तो होता है। हम हमारे गुजरात में तो और महाराष्ट्र में तो यूज करते ही है ना, जो मैं मिडिल नेम हाँ बोल रहा हूँ ना अच्छा, तो वो सर, ऐड करके चलेगा ना? वो चलेगा चलेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। जी सर मेरी सर एक इच्छा सर, क्वेश्चन मेन है। क्वेश्चन कुछ हाँ और। केदार जी बताएं। जी सर सर, हेलो। हाँ बताएं केदार जी। मैं जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर ये है सर, जो हमारा नाम है सर, ये जो हमारे पूर्वज जो नाम रखते हैं, जैसे मेरा नाम केदारनाथ है, जी ये नाम हमको मेरे जन्म से पहले ही मेरे बाबा जी, मेरे यहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, जैसे मेरे जी मेरा एक भाई हुआ था उसका डेथ हो गया था सर, जी ठीक है। तो बाबा हमारे काफी दिन जैसे बच्चे नहीं हुए, तो बाबा हमारे गए यहाँ अयोध्या जी में, इनके गुरु थे बाबा जी के हमारे, तो सर तो उन्होंने ये उनके जुबान से आया कि आपके यहाँ बच्चे पैदा होंगे, इनका नाम केदारनाथ रख दीजिएगा और बड़े जो होंगे उनका नाम बद्रीनाथ रख दीजिएगा। ठीक है। सर तो इस तरह से मेरा नाम रखाया है, तो सर ये दो क्वेश्चन है सर, हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं, इस नाम ये टोटल 29 पे आता है सर मेरा, केदारनाथ। और सर मैं ये पूछता हूँ सर, पूछ रहा हूँ सर, कि जो टाइटल है मेरे कास्ट टाइटल जो लगाते हैं केदारनाथ यादव सर, इस यादव को भी काउंट करेंगे तो 42 पे आता है सर, ठीक तो सर किसको हम माने है, जो आपने ये? आधार कार्ड में लिख दिया अब उसको मानेंगे। अच्छा सर 42 को ही मानेंगे सर। अगर आपने लिखा है तो मानेंगे उसको।
सर जो मेरा जीवन है सर वो 2 पे ये 29 जैसा ही लगता है मुझे देखने से, नहीं जैसे वो जो मैं तो जी देखना रहा हूँ। पड़ेगा, पूरा पूरा ग्रिड देखना पड़ता है। हाँ सर ऐसा ही है जी हाँ जी सर ठीक है तो सर वो हाँ उसके हिसाब से थैंक यू होगा। सर मैं जो बता थैंक यू रहा था सर एक बार मैं बता लूं जरा, वो मैं ये बता रहा था कि जैसे हमारा मून साइन होता है और सन साइन होता है, ऐसे ही जो हमारा कंपाउंड नंबर है वो हमारा मून साइन जैसा होता है, और जो सिंगल डिजिट नंबर है वो सन साइन जैसा होता है। सिंगल डिजिट नंबर में हमें हमारी वो पावर्स बताता है फ्रंट एंड पे जो हम दुनिया के सामने दिखते हैं, और जो हमारा मून साइन है, जो हमारा कंपाउंड नंबर है वो मून, ऐसा नहीं कि वो मून साइन है, पर वो हमारी हिडन पावर बताता है, वो हमारी वो पावर बताता है जो विपत्ति के समय या जब बिल्कुल अकेले हों और हमें लगे कोई नहीं देख रहा है उस समय भी हम जैसा व्यवहार करते हैं उसे हम कंपाउंड नंबर से देखते हैं। तो कंपाउंड नंबर की भी अपनी बहुत बड़ी ताकत है, वो भी एक अच्छे नंबर पे अगर आपके नाम का आता है तो हमेशा वो आपको फायदा ही देगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, राम कुमार है ना, राम कुमार का आप निकालिए, आर की वैल्यू लिखें प्लस ए की वैल्यू लिखें प्लस उसके बाद एम की सर, वैल्यू लिखें। सॉरी सर, पर जैसे राजेश्वर कुमार में हमारा कंपाउंड था 14 और सिंगल नंबर था 5, तो ये हिडन पावर दे रहा है, 14 यानी मून साइन हुआ और 5 यानी सन साइन होगा ना सर। मतलब उनके जैसा आप ऐसा कह नहीं सकते, पर ये हिडन पावर बताएगा वन पावर। ओके सर, थैंक यू। राम कुमार की भी बात करें, कैसे निकाले सर? हैं 7 सर 7 राम का सेवन 22 आ गया है पहले वाला क्या आया? इसका, सेवन सेवन वाला सेवन आएगा सर, सेवन सर, कुमार का और दूसरे वाले का 15 और 15, कुमार कुमार का 15। से 15। एम की वैल्यू क्या लिखी आप लोगों ने? फोर थ्री सर सर, सर फोर फोर, फोर 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 सी डी सर एम टी है, फोर, जी फोर 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 और रिजर्व कुमार की टू टू। ठीक है बिल्कुल सही सर, कंपाउंड 13 होगा आप और देखिए सिंगल। इसमें एक सिंगल डिजिट आ गया है, एक डबल डिजिट आ गया है, तो अब इनको जब ऐड करेंगे आप तो क्या आ गया, 22 और 22 से आ गया 4। सर एक एग्जांपल 3 3 नंबर नाम वाला ले लो, 3 कौन से वाला? अच्छा नाम जो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा नाम सनील लक्ष्मण पवार है, तो वो रूटिंग मेथड में कैसे? नहीं, अभी आप लोगों का एग्जांपल लेने लगेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। थोड़ा नहीं आउटपुट तो दोनों मेथड से सेम ही आता है ना, मतलब जैसे तो सा फर्क रहता है, और उस कंडीशन में आप कोशिश करें कि इसको क्या लेके आए, तीन रूटिंग वाला नंबर लेके आए, रूटीन मेथड रूटिंग वाला लेके आए तो ज्यादा सर। अच्छा है। 7 और 15 भी कंपाउंड कराएगा ना ये? हाँ ये तो जो है, नहीं, 7 तो सिंगल डिजिट हो गया ना। ओके तो सर ये मतलब 7 जो अपना सर सिंगल डिजिट हो गया, 15 इनको ज्वाइन करेंगे ना, तो दोनों को 22 आएगा, तो 22 कंपाउंड कंपाउंड नंबर 22 हो जाएगा। नंबर 22 हो जाएगा। जी ओके सर थैंक। इसको तो मैंने चेंज किया था फिर भी पूरा का पूरा ये आ गया। मैं देखता हूँ, नहीं तो इसको एक बार में एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने, इसका तो पेपर आउट पहले से ही हो गया, एनिमेशन में इसके जाएंगे और पीएफ पे जाएंगे, तो ये नहीं होगा। नहीं कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। मनीष कुमार का देखते हैं, सर एक एग्जाम्पल 3 नाम का ले लो ना सर, मिडिल नेम लेके भी। हाँ ले हाँ लेंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं। अच्छा सॉरी सर हाँ मनीष कुमार जैसे हैं, तो मनीष में आपने देखा 19 आया है, तो 19 को आपने रिड्यूस किया तो कितने पे आ गया, 10 10 10 1 पे। तो हाँ
तो अगर आपने रिड्यूस किया पहले वाले को और वो दोबारा से फिर भी आपका बचा बना हुआ है किसपे, डबल डिजिट कंपाउंड पे, तो उसको फर्दर रिड्यूस नंबर डबल। नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे मनीष कुमार को अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ये आएगा 19 प्लस 15, तो ये क्या आ जाएगा आपका 34, और 34 से आ जाएगा ये 7। तो सिंगल की नंबर हो गया 7, कंपाउंड की नंबर हो गया 34। इसमें जैसे आपने 19 को एक बार रिड्यूस किया तो 10 आ गया। अब हम जब इसको रिड्यूस करने के बाद भी ये डबल डिजिट नंबर आ रहा है, तो फिर हम इस नंबर को एज इट इज नीचे कॉपी करके और इसको ऐड कर दें। ऊपर वाला रूटिंग मेथड है ना सर? सर ऊपर वाला रूटिंग में ऐसा क्यों 15 को 156 क्यों नहीं किया? सर इसको इसलिए नहीं एक बार किया क्योंकि वीडियो हमें कॉल एक ऐसा करवाया था। नंबर मिल गया क्योंकि जो हमारे रूल में सेट नहीं बैठ रहा है रूटीन पे, और जैसे हमने पहले नंबर को रिड्यूस किया वो फिर भी एक कंपाउंड नंबर ही आया। सर रिड्यूस किससे करा है सर इसे? 19 को किया ना सिंगल डिजिट में। ओके okay. ऐसे में सर हमें डायरेक्ट मेथड लेना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट तो हमेशा ही सिंपल होता है, सीधा होता है। रूटिंग मेथड को बहुत सारी जगह पे यूज करके देख लेना चाहिए क्योंकि रूटिंग काफी बड़ा होता है, पर रूटिंग के कई सारे रूल होते हैं, ठीक है? एक एक हम ले लें उसका जो आप बोलते हैं, कौन सा 3 नंबर का बोल रहे हैं ये जिसमें सर चार नंबर प्लीज। आए। हाँ जी बताइए, कोई नाम बताएं, एक एग्जांपल लेंगे उसका नीलेश परेश भाई ठक्कर, सर वरुण कुमार टामटा, हेलो चंदन अपना नाम मत बताना, कुमार, अपना नाम नहीं बताना। चंदन कुमार, नीरज परेश भाई ठक्कर अरे सर, आप आशुतोष मिश्रा, अपना नाम, मैं लेता हूँ कोई भी नाम, आशुतोष मिश्रा सर, ओम प्रकाश कालरा, मैं लेता हूँ। हरिवंश धवन, आशुतोष मिश्रा अच्छा चलो संजय ओम प्रकाश जी लाल, सर कुमार कालरा लीजिए। वाला मत लीजिए क्योंकि कुमार जो है आशुतोष ऐसे ही पिताजी कहीं का नाम लगाते हैं। बताओ। पिताजी का नाम सतीश चंद्र मिश्रा, सतीश ऐसा चंद्र नहीं, लिखते हैं, पिताजी चंद्र लिखते हैं बीच में सर, ठीक कोई बात नहीं, हम है खाली एक ही लिए हैं उनसे, बीच वाला सब लोग बताएंगे। आशुतोष का निकाल के बताइए। आशुतोष हुआ 34, आशुतोष का बताएंगे, सब आशुतोष हुआ थर्टी लोग फोर निकाल एक का वन हो गया, एच का थ्री हो गया, एच का फाइव हो गया, यू का सिक्स हो गया, टी सेकंड टी का फोर नेम हो का, गया, सेकंड नेम का बताएं। सतीश, सतीश, एस का थ्री सतीश, चार, सेवन एस का थ्री प्लस टी का वन टू चार आठ, तीन टी का फोर सेवनटीन, सर, आई का वन मिश्रा का बताएं। सिक्सटीन, 16, 16 सर, 16, सिक्सटीन, 16, 16, 5, 16, 18, 2, ठीक है। तो एक, डायरेक्ट में क्या आ गया, 34, 17, 16, 16, 32 और 33, 33, 33 और 34 हो गए 60, और 67, सेवन 67 सेवन आशुतोष का 31 नहीं बनेगा, 7, 57 67 ही आएगा, कितना आ गया सर, 67 आशुतोष का 31 नहीं आएगा, सेवन नहीं सर, 31 कैसे आएगा, आशुतोष का 34 चार आ रहा है मेरे ख्याल से, सर 31 पंद्रह आएगा पंद्रह चार आशुतोष जी का।
31 आएगा आशुतोष का। जस्टिस 31 कैसे आएगा? 34 ही आ रहा है। 34 ही आएगा, 34 ही सर, 34 ही आएगा, 31 आएगा सर। अच्छा ठीक है, 34 आएगा, 31 आएगा, 31। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 34 आ रहा है, 34 आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी बताते हैं, ए का बताएं क्या है, ए का 1, ए का 1, ए का 1, एस का 3, 3, 3, एच का 5, 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 6, 5, 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 5
सिक्स रहा, यू का सिक्स। यहीं पे गड़बड़ हो गई थी ना, टी का फोर, टी का फोर है, फोर फोर, ओ का चंदो सेवन, सेवन सेवन, सेवन, एस का थ्री, फाइव, थ्री, और फाइव, एच का फाइव, एस का फोर, 34 आएगा सर, 34 आएगा सर, ठीक है, 34, कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, सबको आ जाएगा। तो डायरेक्ट से आ गया 67, और रूटिंग से बताएं, 3 + 4 अब हम इनका ओरिजिनल नाम लेते हैं, इसमें से पिताजी का नाम हटा देते हैं और ये बनेगा 50। अब बताएं क्या आ गया, 54 + 16 आएगा सर, 14 कंपाउंडर 5 40 आ जाएगा, 50 50 50 ठीक आ गया, 5 आ जाएगा, इससे बताएं रूटिंग आ जाएगा, 5 + 0 = 5 तो डायरेक्ट मेथड से इनका जो 5 आएगा, कंपाउंड नंबर आता है दैट इज 50, और रूटिंग से जो आता है दैट इज 5, ठीक है। सर सर एक चीज बताएं, ये 14 और 50 कंपाउंड है ना दोनों, कंपाउंड, और फिर इनको सिंगल डिजिट करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे ना, सिंगल डिजिट सेम ही आंसर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक नाम और ले सकते हैं, बताइए सर, शिवाय, नीरज ठक्कर सर, हार्दिक वैद्य ले लो, नीरज ठक्कर, सतीश सर, मुझे तरुण कारा, ये डायरेक्ट सर, नीरज ठक्कर, नीरज ठक्कर, AGKAR, राजू शर्मा सर, धीरज नहीं, नीरज, NIRJ, अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है, NIRJ, नीरज ठक्कर, अब बताइए नीरज का, बताइए N का 5, नीरज का सर 10 हो जाएगा, नीरज का 10 हो जाएगा, और ठक्कर, हाँ, और ठक्कर का 17 आता है, 17 1 7 17 27 डायरेक्ट में 27 हो गया जी, कितना आ गया डायरेक्ट, 27 27 और रूटिंग और नौ नंबर 2 + 7 10 + 17 आ जाएगा सर, नहीं 1 + 8 आएगा ना सर, रूटिंग में 1 + 8 आएगा ना, रूटिंग में नहीं 1 + 17 आएगा,
1 0 + 17, ये आपने बताया था पहले। जैसे हम पहले नंबर को रिड्यूस करेंगे तो दूसरे नंबर को भी करना पड़ेगा ना। दूसरा नंबर नहीं, वो ऐसा नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट नहीं ला सकते क्योंकि ग्रुपिंग नहीं आएगा इसमें, क्योंकि दो डिजिट को मिला के 1 + 8 क्या है 9। तो ये आपका कंपाउंड नंबर 27 ही गिना जाएगा कंपाउंड नंबर फिर। हाँ तो रूटिंग सर, में मेरा नाम लो ना एक। अभी रुकिए ना, पहले सीट को लें, आप तो खुद भी कर लोगे ग्रुप से। तो इसमें भी ये आपका क्या आएगा 27। सर ये डायरेक्ट नहीं आएगा रूटिंग नंबर में। एक बार बताओ ना क्या होता है इसका मतलब। देखिए सर ये नंबर, हाँ ये नंबर फिर जो 27 और 9 आ गया तो फिर हमारे लिए फिर वो सूटेबल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? जैसे मेरी ग्रिड लोशो ग्रिड है उसके अंदर मेरा 2 3 और 5 नंबर नहीं है। हाँ हाँ बताता हूँ, पहले डायरेक्ट और रूटिंग मेथड बता दूँ, वो बहन पूछ रही थी। पहले नाम का जो सम है और दूसरे नाम का जो सम है उसको जब हम एज इट इज ऐड करते हैं उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और दोनों को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके जब ऐड बोलते हैं तो उसको रूटिंग मेथड। तो सर कंपाउंड मेथड में क्या हो जाता है फिर? कंपाउंड मेथड से जाता है, कंपाउंड मेथड नहीं होता, कंपाउंड नंबर होता है। नंबर होता है, सॉरी कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर होता है जब आपका जो रिजल्ट है वो डबल डिजिट में आता है। सर ओके। जैसे सर दोनों ही मेथड से सेम नंबर आते हैं? नहीं, एक तो सिंगल डिजिट आएगा ना 1 से लेके 9 तक। कंपाउंड नंबर दोनों मेथड से अलग अलग आएगा और जो सिंगल नंबर है वो सेम आएगा दोनों में। आप ये अभी तक जो अभी तक कौन से कंपाउंड मेथड को पहले अपन को लेना है? सेम ही आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, आप ध्यान से नहीं देख रहे। कंपाउंड अलग आएगा सर, कौन से कंपाउंड नंबर को हमें फिर प्राइमरी में लेना है उसके अंदर? रूट को नंबर 1 पे लेना है फिर डायरेक्ट को लेना। ओके, ये तो मेरे केस में रूटिंग चल नहीं रहा इसीलिए डायरेक्ट को लेना पड़ा। हाँ नहीं, डायरेक्ट को लेना क्या पड़ा, आपके दोनों हो ही एक गए ना, अल्टीमेटली रूटिंग डायरेक्ट से ही निकला है। अच्छा, तो मैं सर वही पूछ रहा था कि अभी ये मेरा नंबर सूटेबल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बहुत वाजिब सवाल है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 18/7/1986। CN बताएं अपना क्या है? नो CN इज 9। 9 और DN इज 4 आएगा, 40 मतलब 4 आएगा, 4 आएगा। ओके फाइन, ग्रिड बनवाएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9 नंबर CN लिखेंगे, CN इज 9, फिर DN 4, 4, 1 8, DN इज 4, 4, फिर क्या लिखेंगे आप? डेट ऑफ बर्थ पे आ जाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 1, फिर क्या लिखेंगे? 8 8, फिर क्या लिखेंगे? 7 7, फिर क्या लिखेंगे? 1 1, फिर क्या लिखेंगे? 9 8 9 9, फिर क्या लिखेंगे? 8 8 8, फिर क्या लिखेंगे? 6 6 6 लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब सब लोग बताएं इनका नाम किस नाम पे आना चाहिए नंबर पे? 5 नंबर पे, वेरी क्लियर, क्योंकि इसमें मिडिल नंबर नहीं है 5 नंबर, तो इनका आना बहुत चाहिए, सारे रोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे है ना 5 नंबर। तो 5 नंबर एक ही बार चाहिए या 2 बार लाना चाहिए? 2 बार लाना चाहिए, एक बार मोबाइल नंबर से लाना चाहिए, एक बार मोबाइल नंबर से लाना पड़ेगा।
ठीक ओके, तो मोबाइल नंबर में एक फाइव आ जाएगा तो चलेगा, या पता लगा मल्टीपल कि फाइव नहीं, हमें लेंगे? 5 नंबर पे लाना पड़ेगा। वो खाली था ना मैडम, 5 नंबर था नहीं यहाँ पे, मिडिल में 5 नंबर था नहीं। तो इनके मिसिंग क्या है, 3 नंबर है, 5 नंबर है और 2 नंबर है। दो नंबर है, इन तीनों में हम लेके आ सकते हैं 3 नंबर पे और 5 नंबर पे, 2 पे लाते नहीं है। वो अच्छा दो पे लाते नहीं है सर। अच्छा बताया ना ऊपर किस किस पे लाना है। जी सर बताएं। ओके एक लिख दूं यहाँ पे किस किस पे लाते हैं। हाँ एक बार जी लिख दीजिए ना। सर, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 पे लाते हैं, 3 पे लाते हैं, 5 पे लाते हैं, 6 पे लाते हैं, 9 पे लाते हैं, 9 पे लाते हैं। ओके, है ना। इन पे लिख, 1 3 5 6 9। ओके तो 1 पहले सर, से मेरा है। एक क्वेश्चन है हैं? सर, मेरा क्वेश्चन है, प्रतिभा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बताएं प्रतिभा। सर मान लो किसी का सीएन और डीएन 3 और 6 है, और 5 उसके ग्रिड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ तो उसका नेम नंबर हम किस पे ले जाएंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे 1 पे लाने की, फिर 3 पे, फिर 9 सर लेकिन 6 का एंटी तो 3 हो गया ना। पे। नहीं, कुछ एंटी वेंटी नहीं होती। अच्छा जो ठीक था ये, तो इनका हम 3 पे भी लेके आ सकते थे, जैसे कि आपने 5 पे बोला था। थ्री है सर, 3 पे भी लेके आ सकते हो, पे फिर भी भी सेम मिसिंग। रिजल्ट ही होंगे, लेकिन सर मेरे इनका जो ग्रिड ग्रिड में है, जो इनका ग्रिड है ना, आप उसको सर देखोगे तो उस ये 5 पे लाने से ज्यादा बैलेंस रहेगा। स्टेबिलिटी आएगी ना 5 आने से, क्योंकि ब्रह्मस्थान जो बोलते खाली था उसके लिए 5 लेके आना अगर जरूरी है ग्रिड ना। में, और दो रो सर पे अगर ग्रिड में फोर कैसे सिक्स जाएंगे एंड 7 नहीं हो तो? हाँ तरुण जी सर, एक सर। बताओ सर, हाँ इसमें हम हाँ सर, कंसीडर अगर ग्रिड, सीएन, सर इसमें सीएन और बीएन दोनों को कंसीडर करेंगे या सीएन को कंसीडर करेंगे। नहीं दोनों को कंसीडर करेंगे, ज्यादा वैल्यू जी सीएन को देंगे। ओके तो सर, इसके नंबर में अगर एक दो सर, एक डेट इसके नंबर अंदर तो और में बताइए, एक डेट ऑफ बर्थ और बताइए जल्दी से। सर 14/9/1988, सर 14/9/1988, चौदह नौ सर, उन्नीस सौ सर अट्ठासी क्या अट्ठासी हाँ जी नाम है सर, आपका। पंकज गुगनानी पंकज, स्पेलिंग जी, जी यू जी PU जी 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 P ग्वालियर का E जी, जी हाँ यू जी एन ए एन आई G U जी एन ए एन आई पूरा नाम बताएं। पंकज पंकज गुगनानी जी, ग्वालियर का जी यू जी एन ए एन आई। यस ऐसे सर, D सर, की जगह क्या आएगा। हाँ तो D ओके की सर, जगह D की जी जगह आएगा। आएगा। सर डी की जगह जी आएगा सर, डी ऐसे डी सर डी की जगह जी नहीं, पहले आएगा पहले फर्स्ट सर, लेटर बोथ आर जी, बोथ आर जी बोथ आर जी, जी। ऐसा ना। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए इनका ग्रिड बनाते हैं जल्दी से। आप ये मत सोचो कि मेरा नहीं ले गया, आप ये सोचो जिसका लिया गया आप कैसे उसे सीखेंगे। जी 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 सही सर, ये बात जी है सर, सर, जी सर। एग्जैक्टली सर जी एक चीज सर, बताएं ग्रिड सर अच्छा है जी, इनका। पहले इसको करते हैं फिर बताएं। जी सर ठीक है सर, तो रूटिंग से ट्राई करते हैं इस बार। बदल यहीं से। हाँ नहीं पहले पहले सी एन डी एन बताइए। सर 5 तो हो गया, CN 5, फाइव सी सी एन एन फाइव और डी एन फोर दो डी फोर एन फोर दो डीएन फोर डी एन दो फोर होगा सर। सर डीएन फोर होगा। 8 2 16 17 18 फोर 4 22 फोर होगा फोर सर। आठ और फोर 5 13 फोर आएगा। 8 8 2 16 16 5 16 5। पंकज का टोटल कितना आया नाम का। पंकज 18 18 सर, 18 और 18, गुगनानी का 24। यस गुजरानी का 24। सर, डायरेक्ट से क्या हो गया, डायरेक्ट सर 42 42 से आ गया 42 42 तो 26 है ना। फिर 6 आ यस गए सर। ना, और सर तो रूटिंग फिर से 6 बताएंगे आएगा, 4 नहीं सर। आएगा। 9 + 6 15 9 प्लस सिक्स 9 प्लस फिफ्टीन 6 इक्वल टू फिफ्टीन कंपाउंड 15 हो गया सर, 6 हो गया सर। फाइव हाँ। अब चलो सबसे पहले क्या आया, सी एन 5, फाइव फोर डी एन 4, फिर क्या लिखेंगे, डेट वन 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 ऑफ वन बर्थ का सबसे पहला डिजिट लिखेंगे, क्या आ गया, वन 1। वन 1 1, फिर क्या लिखेंगे, 4, सर नीचे और आएगा, सर वन 1 नीचे नीचे आएगा ना। आएगा सर।
सर वन सर फोर नाइन आएगा ना, सर वन नीचे आएगा नाइन को, फोर के बाद नाइन दोबारा नहीं होगा पर फोर तो होगा नाइन, फिर क्या लिखेंगे सर उल्टा बना है सर, नाइन ऊपर होगा ना सर, वन की जगह नाइन होगा सर, सर वन की जगह नाइन होगा ना सर, शुरू में क्या आया फाइव प्लस फोर फिर वन आ गया ना, वन फोर का ऊपर नीचे लिखा है ग्रिड के अंदर, जगह ऊपर होनी चाहिए ना एक के, अच्छा अच्छा ओके ओके उल्टा लिख दिया मैंने, जी सर ये है नाइन और यहाँ पे वन, ओके फिर ये सही है सर, वन नाइन सर वन आएगा सर, अगेन वन, अगेन वन, अगेन वन, अगेन नाइन, अगेन नाइन एंड एट एट डबल एट डबल एट नाइन के पास में नाइन की सॉरी डबल एट आ गया, डबल एट आ गया सर, और नेम से क्या आ गया सिक्स आ गया, सिक्स आता है ये तो बहुत पैसे वाले आदमी है बिजनेसमैन, बढ़िया बढ़िया ग्रेडिंग का अच्छा है। अंकित जी क्या शेयर मार्केट का काम करते हैं? नहीं सर अभी सोचा है शेयर मार्केट का काम करने का, अभी सोच रहा हूँ मैं सर, बता एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, मैं टीचर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ। टीचर तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो टीचर बनने पे तो? हाँ सर बिल्कुल नहीं हो सर, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है सर। सर ये सिक्स के साथ एन क्यों लिखा है? तो सर क्या बिजनेस करना चाहिए क्या सर? नाम से आया है सिक्स, अच्छा नाम से मेरा बना दो प्लीज, पेन का तो सुन लो पहले तभी तो, सर मेरा बना सर दो इनका, सर इनका 3, 7 और 2 नहीं है तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? हाँ देखो किसी ने अच्छा सवाल पूछा ना, ऐसे सवाल पूछे जी, 3, 7 और 2 नहीं है अंकित जी, अगर आपको जिंदगी भर टीचर रहना है तो 3 लेके आओ, 3 लेके आना है ओके, अगर जिंदगी भर टीचर रहना है ओके सर, अभी शेयर मार्केट में टॉप पे जाना है तो 5 आना चाहिए, एक और सर नेम 5 पे आना चाहिए, नेम 6 पे चलेगा, एक मोबाइल नंबर ले लो जिसमें मल्टीपल 5 आए, मल्टीपल 5 आए सर, मेरा सर मोबाइल मोबाइल नंबर का टोटल भी 6 पे आता है, 42 के 6 पर। आप तो यार कितना लग्जरी पसंद करते हो लाइफ में, इतना सारा। और सर जो मेरा जो मेरी सब बाइक है उसका नंबर भी 6 पर आता है सर। ओह माय गॉड आप तो बड़े लवेबल आदमी हो, पर सर लग्जरी नहीं है सर बिल्कुल भी, लग्जरी 1-6 आने से लग्जरी हो गया ना ओके। तो सर अगर अगर सर 7 और 2 का क्या रोल है इसमें, जैसे 7 नहीं है 2 नहीं है 3 नहीं है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है सर? 2 है तो वो आपको कम सेंटिमेंटल बनाता है लोगों के लिए, कंसेंसिटिव बनाता है, 7 जो है वो स्पिरिचुअलिटी में और मनी मैनेजमेंट में कम होने का ध्यान देता है, आप पैसा कमाओ okay. तो लेकिन बचेगा नहीं, मनी मैनेजमेंट पूरा रहेगा, 3 से के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे, तो ऐसे सबका रहता है एट्रीब्यूट, सबके अपने अपने हैं जो शुरू में बताए थे वहीं से एट्रीब्यूट आते हैं। ओके सर जैसे आपने कहा कैसे करेंगे सर, नेम में करेक्शन करना है क्या सर? नेम में करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका बहुत सारा चीज 6 पे आ रहा है तो अभी इसको ना नेम को 5 पे लेके आ सकते हैं सर, जैसे 4, 5, 6 नहीं होता सर। मेरा क्वेश्चन है जैसे नेम में जैसे मैं पंकज में एक ए को रिड्यूस करता हूँ सर, पंकज में ए को रिड्यूस करता हूँ तो ये 41 के 5 पे चला जाता है, तो सर वो सही रहता है रिड्यूस करना? नहीं नहीं रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स का नाम लगा के देखिए इसमें कुछ बनता है सर, फादर का नाम लगाने पे 60 के 6 पे चला जाता है। चलो चलो कोई नहीं, अब इसका ना अलग से ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। ओके सर ओके ओके सर, बस ये बता दीजिए लास्ट की आपने जो बताया था 3 पे क्या ले जाना है, टीचिंग के लिए 3 पे ले जाना है के लिए 3 पे सर, 3 पे क्या नेम को ले जाना है 3 पे? हाँ अगर टीचिंग लाइन में रहना है तो, अगर आपको शेयर मार्केट में आना है तो फिर 5 पे। ओके सर ओके, पर एक डेट ऑफ बर्थ बताऊं सर? थैंक यू सर थैंक यू सर, एक क्वेश्चन था 2109982 तरुण सर, नेम काउंट भरना होता है लोशो ग्रिड में सर जी, जैसे कि आपने भराया सर? हाँ इसमें भर सकते हैं लेकिन उसके सामने एन लिखेंगे ताकि पता रहे कि ये जो आपने लिखा है यहाँ पे। तो सर नेम के नेम जो नेम से नंबर आया उसकी पावर उतनी रहती है सर जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर है, जैसे सपोज करिए किसी के, जैसे इन सर के ये जो पंकज जी है इनके
नेम से सिक्स आया है और इनके जैसे डेट ऑफ बर्थ से जो छह आता तो उनकी पावर बराबर रहती सर जी? नहीं, नेम वाले की सबसे ज्यादा होती है 120%। अच्छा, नेम की ज्यादा होती है। ओके ओके सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, फीमेल बोल रही है बीच में, हम उनकी बात सुनेंगे। बताइए बताइए तुलसी जी, बोलो सर। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बाकी लोग सुन रहे हैं। हरि बोल सर, मैं बोलूं सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो जैसे मेरा 72 का बर्थ है, तो मेरे फादर ने मेरी जो डेट बोलती रही है, बोलती रही है। हेलो सर, अभी तुलसी जी बोलेंगे, बाकी लोग चुप लगाएं जरा। ठीक ठीक, हाँ बताइए तुलसी जी। जैसे में हम लोग जब छोटे थे तो हमें तो पता नहीं था, तो हमारे फादर ने मेरी डेट ऑफ ईयर चेंज कर दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे? नहीं फर्क पड़ता। थैंक यू थैंक यू सर। वन नंबर कंडीशन कौन सी लेनी है उसके अंदर? जो जो ओरिजिनल है। हाँ जी सर, जो ओरिजिनल है। अच्छा सर, इस ग्रेड में अगर 2 लाना है तो कहाँ से लाया जाएगा? तो सर उसके मोबाइल नंबर से लाएंगे सर, उसके अकॉर्डिंग जो सर उसके अकॉर्डिंग जो मैंने ग्रीड बनाई उसमें मेरे 77 है, और मुझे अगर 777 लेने हो तो कैसे क्या करना पड़ेगा सर? तो करना है आपको 777 तो लेते ही नहीं है ना। 777 तो आना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं, 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 नहीं सर, नेगेटिव इफेक्ट देता है सर, धोखा मिलता है सर। मैंने आपका वो जो यूट्यूब पे वीडियो देखा था उसमें था कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे अगर 777 है तो। नहीं, वो मैंने 81 कॉम्बिनेशन पिछली क्लास में जो पढ़ाए हैं जी, उसमें अगर आप देखेंगे तो 77 को अच्छा नहीं बताया। अच्छा, सिंगल 7 इज गुड बताया है। अच्छा, अब सर किसी का नाम 6 पे नहीं आ रहा तो कुआ नंबर 6 पे आ रहा है तो वो भर सकते हैं इसमें? नहीं नहीं, उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता कुआ नंबर। तो सर क्या करना चाहिए इसको करने के लिए? वो बताएंगे बाद में, एक एग्जांपल और लेंगे अभी। बताइए ना, परमजीत कौर। हाँ हाँ सर, मेरा भी ले लीजिए सर, उनके नाम से ले लीजिए सर। नहीं, हार्दिक वैद्य। क्वेश्चन पूछना है अरुण, आप अपना ग्रुप पे बना के डालना, ठीक है? ग्रुप पे आप लोग अपना बना के डालेंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। हाँ, रणजीत नाम बताएं पूरा। सर मुझे आपसे प्लीज पूछना है, परम जे हाँ के ए यू आर, हाँ सर, इसके पीछे बांगा लगाती हूँ मैं शादी के बाद। मुझसे मतलब नहीं है, आधार कार्ड में क्या लिखा है? आधार कार्ड में हाँ, बांगा BANG। आधार कार्ड में पूरा नाम परमजीत कौर गुरमीत बांगा है, हस्बैंड का नाम भी है। ऐसा है क्या? ऐसा लिखा है? आधार कार्ड देखना पड़ेगा सर, मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। कुछ सर मुझे बात है, क्वेश्चन है सर। इनका निकालिए पहले, फिर क्वेश्चन लेंगे। निकालिए सर, मुझे क्वेश्चन है। हाँ पायल बताइए। हाँ सर, मान लीजिए कि हम नाम को करेक्शन कर लिए, नया नाम को कैसे जोड़, मतलब कैसे जोड़ डाले कि वो एक्टिव हो जाए? इसके बाद याद रखना है, क्वेश्चन दोबारा से पूछना है, मैं कर लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू। बताओ सर, एक बात और भी है मुझे कि मानिए कि मैं, मेरा शादी नहीं हुआ, कि मैंने उसको एक्टिव कर लिया शादी के बाद, मतलब नया वाला, मतलब पति का जो टाइटल जुड़ेगा उसको कैसे फिर से क्या जोड़ देना पड़ेगा? क्यों जोड़ना है पति का टाइटल? मानिए कि आ रहा है कि मैंने मेरा हटा दिया, उसका ले लिया, तो उसको भी ऐसे, मतलब जैसे होता है ना कि शादी के बाद एक्सचेंज करते हैं, नहीं करना है? अच्छा ठीक है, उसी से प्यार होता है क्या? सर मुझे भी एक क्वेश्चन। नहीं नहीं सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। परमजीत का बताएं सर। परमजीत से आ गया सर। सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। पहले ये वाला काम करें जो मैं बोलता हूँ। CN2 है, DN9 है। अरे जो चल रहा है इसको बोलो ना अभी, पहले परमजीत का बताओ। सबको प्रिडिक्शन की जल्दबाजी है, सीखना नहीं चाहते। सर 31 का 4 आएगा जी। 31 4 का क्या आएगा?
और छह, नौ, नौ सर, इलेवन आएगा, और लास्ट वाले का 15 का आएगा सर, दो दे तीन, तीन पाँच सात, 12 सर आएगा इसका। टोटल करें क्या आ गया तीनों को? गया 54। 54 54 आ गया। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ परमजीत जी, अपनी डेट डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2/8/1901। ऐसा है, हाँ जी सर, यही है। बनाओ जल्दी से। हाँ जी जल्दी से बनाओ। सीएन कितना आ गया? टू सीएन सर, टू 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 आ गया। गया उसका। सीएन टू आ गया। डीएन कितना थ्री था? डीएन डीएन थ्री सर, थ्री। डीएन थ्री आ गया। उसके बाद टू को नहीं लेंगे क्योंकि टू पहले से सिंगल डिजिट में है। फिर लेंगे एट, एट के बाद वन वन, वन के नाइन बाद डबल नाइन डबल नाइन फिर वन वन, ट्रिपल नाइन सर हमने टू दोबारा नहीं लिखा ना सर इसमें। वो नहीं लिखेंगे, सिंगल डिजिट में होने से नहीं लिखता। जो डेट है भाई, सीएन भी आ गया ना, तो दो बार क्यों लिखना है, एक बार लिखा जाए। और सर अगर ये डेट में नहीं होता, मतलब इनके उसमें नहीं होता, तो लिखते फिर अपन? हाँ अगर ये 11 होता तो लिखते। सर नेम से नाइन आ जाएगा नेम से आया नाइन है ना। जी। ठीक है, कितने पे लेके आना चाहिए इनको नाम? फाइव फाइव पे सर, पे लेके। ठीक फाइव पे। है, अब आपको बताते हैं कि किसी नाम को जब चेंज करते हैं तो क्या करना है। ठीक है, जब भी आप नाम को चेंज करेंगे, एक मिनट में म्यूट कर दूं सबको। जब भी नाम को चेंज करेंगे तो नाम को 108 टाइम ग्रीन पेन से नई कॉपी पे मॉर्निंग में बैठ के सबसे पहले 108 टाइम लिखेंगे और 51 डेज तक लिखेंगे उसको, जो भी नाम आप चेंज करना चाहें। मगर नाम को चेंज करने में अटमोस्ट प्रिकॉशन लेना जरूरी है ना। बहुत सोच समझ के चेंज करेंगे और फिर उसको 51 डेज तक मॉर्निंग में 108 टाइम लिखेंगे। सर मॉर्निंग का टाइम ही क्यों इतना जरूरी? मॉर्निंग में सुबह सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं रात करता का आपको, टाइम बीच होता है में ना। बीच में फोन भी नहीं बजता है, कोई आपसे पूछता नहीं है क्या कर रहे हो। ओके सर। सत का भी होता है ना तो सर अभी मुझे चेंज सर करने की जरूरत है सर नाम में? सर इतनी जल्दी बच्चे नहीं कर पाते ना, उठेंगे ही नहीं वो बच्चे। अगर किसी का चेंज हम करवाते भी हैं, वो उस मॉर्निंग में इतनी जल्दी नहीं उठता सत टाइम पे, तो फिर वो रात में करना प्रेफर करते हैं। तो उस समय भी वो उन लोगों का कहना ये होता है कि रात में भी कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता, ये लॉजिक नहीं, 10 बजे तक तो कर सकते हैं ना मैम? सर मुझे देखिए, जरूरत है मैं सर आपको एक चेंज चीज करने बताता की। हूँ, सुनिए। जी सर मुझे जरूरत नहीं है चेंज करने की। नहीं वो उसको उसके बारे में बात करेंगे, देखिए चीज समझ लें आप। सर एक क्वेश्चन नहीं नहीं मेरा, पहले सर मैं इसका जवाब दूँ, वो ध्यान से सुनना मुझे इसका जवाब। अगर आपका बच्चा सुबह नहीं उठ सकता, अगर आपका बच्चा सुबह उठ के नाम नहीं लिख सकता और रात में नाम लिखता है, तो वो हमेशा दूसरे की नौकरी करेगा। सकता जो मैं सर, समझा रहा एक हूँ वो क्वेश्चन समझ लो, था। नाम के पीछे मत पड़ो, बहुत मैं अच्छे समझा क्वेश्चन रहा पूछना है हूँ। आपसे, सर आपने बहुत अच्छा बताया है। सर चलो थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया सर सर आपने सर। मेरा एक क्वेश्चन है, एक
आप पंकज जी आपका क्वेश्चन अब नहीं लेंगे, आपको बहुत नहीं नहीं सर सर मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने बोला 51 डेज तक नाम लिखना है, कंटिन्यूशन में जैसे कंटिन्यूशन जैसे के बीच में ब्रेक हो जाती है, जैसे कि किसी ने 24 डेज कंटिन्यूशन में लिखा और एक दिन ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर अगेन इनिशियल से 51 डेज काउंट करना कि उसके आगे चलता रहेगा वो? फिर आप 21 डेज लिखिए उसे, क्योंकि 21 का भी नंबर आता है, 6-3-9 में लिखते हैं, तो शुरू में आप परमिशन लेंगे 21 लिखें, अगर आपने बीच में ब्रेक कर दिया तो फिर से काउंट रहेगा, फिर से इनिशियल से सर, काउंट मेरा, होगा ना सर? मेरा सर प्लीज सर, ओके सर थैंक यू थैंक यू। मेरा डेट ऑफ बर्थ सर प्लीज, निरंजन सर एक चीज पूछनी थी सर, ट्रिपल लाइन जो आया इनका, हाँ जी हेलो सर, ये ट्रिपल लाइन जो आया इनका, सर ये ट्रिपल लाइन जो आया इनका, तो इधर ट्रिपल वन भी करना पड़ेगा क्या 5 लाने के बाद? नहीं नहीं इनको दबर? बोला तो है यार, अभी सुनते क्यों नहीं हो, ये नाम इनका 9 से 5 पे आएगा, पे तो लेके आए, अगर 5 अगर किसी और चीज से लेके जाए जैसे मोबाइल नंबर या किसी और से तो नहीं आए, नाम को लाना सर, रिपीटेड नंबर से नाम को लाना ग्रिड में, ऑलरेडी ऑलरेडी 9 ज्यादा है, 2 है घर में यार, तो घर बैलेंस कर, सॉरी बना गए 10 साल हो चुके था घर में बात जल्दी कर लीजिए सर, सर मेरा नाम कंफर्म सर, सर मेरा नाम सर रिपीटेड नंबर से फर्क पड़ता है? हाँ रिपीटेड नंबर से फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन आपका ग्रिड बैलेंस होना चाहिए सर, अगर ये आपने बना दिया मेरा, इसके बाद अभी मुझे क्या मतलब नाम रोज लिखना है? अभी कहाँ बना दिया आपका? कंप्लीट नहीं हुआ सर, नहीं आपका नाम अभी कहाँ ठीक हुआ है, नाम आपका 5 पे आना है, सही क्वेश्चन था। हाँ, सर अगर 5 पे नेम आ जाएगा तो उसके बाद इनको और कौन सा नंबर चाहिए होगा? इनको कुछ नहीं चाहिए, अपना लाइफ में आगे बढ़े, तो जैसे कि इनको मतलब क्या बोलते हैं लग्जरी चाहिए तो 6 नंबर आना पड़ेगा इनको, इनको नहीं चाहिए नहीं नहीं बाई चांस सपोज कीजिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, फिर मोबाइल नंबर 6 पे लाएंगे, फिर मोबाइल नंबर 6 पे लाएंगे, और वैसे ये बैलेंसिंग है ना सर, बैलेंस है ना, 1-1 और 9-9 दोनों हो जाएंगे बराबर, बहुत बढ़िया बढ़िया बैलेंस, बहुत बढ़िया बैलेंस, बढ़िया बैलेंस हो जाएगा सर। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर, आपने जैसे 1, 3, 5, 6, 9 ये नंबर दिए हैं कि भी इन पे हम लेके आ सकते हैं, अगर ये ग्रिड में सारे नंबर हो तो फिर वो ग्रिड कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, अगर ग्रिड में सारे नंबर है तो फिर 5 पे लेके आएंगे, 5 कर लीजिए, जैसे 5 कर ले सर, एक चीज ट्रिपल फाइव आ रहा है तो 5 आ रहा है तो फिर 3 पे 1 पे 9 पे 6 पे कहीं ले जा सकते हैं ग्रिड के हिसाब से। सर एक चीज और थी, कोई यूपीआई नंबर जो होता है, एक सेकंड सर, जैसे आपने ये मतलब जो 1, 3, 5, 6, 9 ये सारे नंबर आ रहे हैं और फिर हमें 5 में डबल करना पड़ेगा, तो वो हम किसी भी चीज से कर सकते हैं डबल, चाहे नंबर से तो हमारा मतलब नेम से हमारा 6 भी आ गया है, तो फिर हम किसी भी चीज से कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर ही बचा है फिर तो? नहीं नहीं आपका अगर पहले अगर 6 मिसिंग है तो नाम से 6 आएगा, अगर 6 भी पहले से मौजूद है तो नाम को 1 पे या 5 पे लाना, यूपीआई नंबर ही मैटर करता है क्या? सर यूपीआई नंबर ही मैटर करता है क्या आज की तारीख में, मतलब यूपीआई डिजिट होता है जो हम कोड डालते हैं, जैसे एटीएम पिन होता है यूपीआई पिन होता है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत। सर जो मेरे नाम के आगे ये टेबल आपने बना दिया है, ये इसमें जो मेरे को ऑब्स्टेकल आ रही है लाइफ में अचीव करने में कुछ मतलब, तो उसको करेक्शन कैसे करेंगे फिर? आप बिल्कुल पंजाबियों की तरह नहीं बोलते हो, बॉम्बे में रहती हो क्या? हेलो आपका टोन पंजाबी नहीं है सर, मैं पंजाबी में बात करूंगी किसी को समझ आएगा क्या? नहीं नहीं वो फिर भी इसे पंजाबी टोन बोलते हैं, आपका एजुकेशन बाहर हुआ है ना? हाँ जी एजुकेशन बाहर हुआ है आपका पंजाब से? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जब जब लोग ना दो दो लिंग्विस्टिक लेके चलते हैं तो उनका माइंड ना बहुत अच्छे से डेवलप होता है। एक सवाल पूछना था, वरुण जी को बताइए, सर आपने बोला बोला था कि जैसे कहीं 1-0 आता है किसी का 1-0 जो टोटल है किसी के 3 नाम से चल रहा है, सपोज मेरा अपना एग्जांपल है वरुण कुमार डामटा है, तो पहले का लेंगे वो तो सिंगल डिजिट में आ गया,
तो बाकी के जो दो हैं वो डबल डिजिट को सिंगल करेंगे, मतलब कंपाउंड को उसको सिंगल की में करेंगे, या उसको भी डबल में ही लेंगे? उसको आप डबल में ही रहने देंगे दोनों। उसको बाकी दोनों डबल में रहेंगे, वो सिंगल में रहेंगे। हाँ जी एक क्वेश्चन है मेरा, राइट सर, एक क्वेश्चन है मेरा, सर से हाँ हाँ जी पवन बात कर बताएं। रहा हूँ। हाँ सर, ऐसा है कि मेरा जो लोसो ग्रिड है, हेलो, हाँ जी हाँ बोलते जाओ। हाँ जी हाँ जी, मेरा जो लोसो ग्रिड है उसमें 2, 4 और 8 मिस है, और जबकि मेरा जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ है 16/1/75 है, 1975 वो है, और जो मैं नाम लिखता हूँ वो PAWAN KUMAR लिखता हूँ, हाँ तो ये कैसे करेक्ट होगा? एक्चुअली मेरे पास पैसा नहीं दिखता, 77 है, पैसा कोई नहीं कोई नहीं, ये वाला नहीं सवाल आप दिखता। ग्रुप में डालना, ग्रुप में डालना अपना ग्रिड बना के, और नाम का टोटल पूरा होमवर्क करके तब डालना ग्रुप में सर उसमें। एक सर हाँ चलो सर ठीक है सर जी। मेरा सर प्लीज सर नहीं नहीं सर हाँ मेरे सर लिए ग्रुप सर में डालना, मुझे सर एक चीज क्लास थी में जाना है, सॉरी सॉरी सर अब नहीं। सर मेरा एक एक क्वेश्चन जनरल है क्वेश्चन सर, था एक बात तो सर, सुनिए, अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये 5 लेके आएंगे तो उनका 2 सर प्लेन एक कम्प्लीट जनरल हो जाएंगे। क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कुछ आज सीखने को मिला सर, थैंक यू सो मच सर आपका हाँ टाइम। नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी इसको। और मेरा देख लो एक बार लास्ट में नहीं नहीं अब सर, एक देखेंगे, आप जनरल रिड्यूस कर रहे हो नंबर, तो सर व्हाट्सएप एक ग्रुप में जनरल डाल। क्वेश्चन जी है जी सर, एक जनरल नाम का क्वेश्चन क्वेश्चन बताएं है किसका जल्दी से। सर सर, एक नाम का कोई जनरल आपने रिड्यूस करना मेरा हो तो नाम किसी नहीं का? लिया खुशबू का सर, एक भी मेरा नाम नहीं लिया कोई एक बात नहीं, खुशबू का नाम भी लेने को लेकिन। छोड़ो, जनरल क्वेश्चन जल्दी से बताओ। मेरा सर खुशबू रिड्यूस का करना जितना नंबर था सर, क्वेश्चन सर सर, जनरल खुशबू क्वेश्चन मेरा ये है कि का कर लेते हैं। मोबाइल, हेलो हेलो जल्दी से बोलो। हेलो सर, सर जनरल क्वेश्चन मेरा ये है कि 5 नंबर जो हम लाते हैं मोबाइल नंबर से, तो टोटल 5 आना चाहिए या मल्टीपल 5 चाहिए उसके अंदर? जस्ट मोबाइल न्यूमेरोलॉजी की क्लास जिस दिन करेंगे उस दिन बताओ सर सर। मेरा ठीक क्वेश्चन ये है कि जो आई है कार्ड सर, वन सर, फोर जो डाला नए है उसको क्या 9 नंबर से बैलेंस किया जाएगा ना सर। सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर ट्रिपल आ रहा है और किसी को उसको ट्रिपल से कम करना हो या 4 बार आ रहा हो तो कैसे करेंगे उसको, फिर रिड्यूस सिंगल करना हो वाले नंबर को तो छेड़ना कैसे? नहीं है, कुछ और करेंगे उसमें। सर फोर की और ठीक है सुनने मारो मेरा किसी का थैंक तो, जैसे यू सर, थैंक यू सो मच सर। यू ओके नेक्स्ट क्लास सर, शेड्यूल के हिसाब से होगी, बाकी के क्वेश्चन उसमें ले सर ठीक लोशो ग्रेड में अगर बार बार 9-1 ज्यादा आए तो क्या होगा। तक। कोई बात नहीं, 9 से बैलेंस करेंगे उसको। सर जो नेम है वो 1-1 ज्यादा आए 9-9 क्लास ज्यादा आए वो अच्छे रहते हैं कि के नहीं। ग्रुप पे डालना आप, तब वहां पे बात करते हैं ठीक है। अभी मुझे जाना पड़ेगा। ओके ओके थैंक यू। ओके बर्थडेट वेरी मच, अलग है, ओके वेरी मच, जनरल बर्थडेट अलग है तो। थैंक यू।